आज खुश तो बहुत हो गए तुम, क्योंकि क्वारंटाइन के टाइम पर आपकी फेवरेट सीरीज मनी हाइस्ट का 4th सीजन क्यों ना आ जाए, और इससे ऊपर खुशी की बात क्या हो सकती है। तो ये हल्का इशारा है स्पेन की तरफ से कि घर में टिक कर बैठो 2-4 दिन और देखो इस सीरीज को पूरा। हालांकि स्पेन एक तरफ पूरा उलझा हुआ है कोरोना आउटब्रेक को लेकर, बहुत बुरी हालात में है स्पेन, बावजूद इसके स्पेनिश वेब सीरीज मनी हाइस्ट का 4th सीजन उन्होंने रिलीज किया, क्योंकि सिर्फ स्पेन के अंदर इसके फैन नहीं है, थ्रू आउट द ग्लोब जितने भी फैंस थे उन सब के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है ये कोरोना आउटब्रेक। और कोरोना लॉकडाउन के टाइम पे बहुत लोगों के बहुत से क्वेश्चंस होंगे, बहुत लोगों के बहुत सी थियरीज होगी ये 4th सीजन को लेकर, बट आई एम नॉट हेयर टू आंसर योर क्वेश्चंस एंड द आंसर योर थियरीज ओवर हियर। आई एम हेयर फॉर द रिव्यूइंग मनी हाइस्ट 4th सीजन विद नो स्पॉयलर्स, सो लेट्स स्टार्ट रिव्यूइंग ला कासा द पापेल। जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया, कोई स्पॉइलर नहीं है मेरी वीडियो के अंदर, लेकिन जो भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा थोड़ा वो ब्रीफ मुझे करना पड़ेगा, लेकिन जो भी हिंट्स मैं आपको दूंगा वो सब आप ऑलरेडी ट्रेलर में देख चुके हो 4th पार्ट के, और अगर ट्रेलर में नहीं तो जो भी 8 के 8 एपिसोड्स आ रहे हैं इसके नीचे थंबनेल्स में आप वो सब आइडिया लगा सकते हो जो भी मैं बोलने वाला हूं। सो बहुत बड़ी सीरीज है, इस सबको मैं रिव्यू तो नहीं कर सकता ढंग से, क्योंकि मुझे भी आई एम नॉट एबल टू रिव्यू दिस काइंड ऑफ सीरीज, बट हाँ जो जितना मेरा दिमाग काम किया है, जो मैंने इस सीरीज़ के बारे में जाना और समझा इस सीरीज़ को, उस सब बेसिस पर मैंने सबसे पहले प्लस और माइनस पॉइंट्स निकाले हैं 4th सीजन के। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले हम प्लस पॉइंट्स की बात करेंगे। दिस सीजन इज़ द बेस्ट सीजन सो फार, मतलब जो पहले 3 सीजन थे उन सब में से ये सीज़न अच्छा था। तो आप आइडिया लगा लीजिए अब कि पहले 3 सीजन में जो आपको सनसनाहट फील हुई होगी ये उसको काफ़ी अच्छे से बरकरार भी रखता है और उसको काफ़ी ऊपर भी लेकर जाता है। सेकेंड, जिन लोगों को लग रहा था जो बर्लिन के फैंस थे लाइक मी, आई एम द ह्यूज फैन ऑफ बर्लिन, मुझे मतलब सबसे बढ़िया बर्लिन का ही कैरेक्टर लगता है पहले 2 सीजन्स के अंदर, मुझे लग रहा था कि बर्लिन आगे नहीं होंगे, बट बर्लिन इज हेयर फ्रॉम A to Z, आपको हर जगह बर्लिन दिखने वाले हैं। हाँ, उनका बिहेवियर थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पर किसी हाइस्ट को इंचार्ज नहीं कर रहे, बट एक कैजुअल अप्रोच के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसान है वो। थर्ड, कुछ नए करेक्टर इंट्रोड्यूस किए गए हैं सीजन के अंदर, जिसने सबसे ज़्यादा मजा आपको देखने में आने वाला है, सिजेर गैंडिया। सिजेर गैंडिया इज द चीफ ऑफ सिक्योरिटी ऑफ बैंक ऑफ स्पेन, तो अब वो इतना पावरफुल है, एक फैमिलियर है सब जगह से, एंड सिजेर गैंडिया इज द वन ऑफ द बेस्ट रीजंस कि ये सीजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सीजन इतना अच्छा क्यों है। सेकंड करेक्टर एलिसिया सियरा, द इंस्पेक्टर इन चार्ज इन द टेंट नाउ, हु इज ऑल्सो इंटेरोगेटिंग रकेल, जो इंटेरोगेट कर रही है रकेल को सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तो ये दोनों कैरेक्टर्स मुझे मतलब बहुत बढ़िया लगे और मस्त बना देते हैं ये सीजन को। एंड लास्ट प्लस पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, 5th सीजन ऑन इट्स वे। जी हाँ, ये वाला सीजन भी बहुत से क्वेश्चंस आपके माइंड में छोड़ के जाएगा जो आपको 5वें सीजन में जिसके आंसर्स मिलने वाले हैं। सो एक स्माइल के साथ छोड़ के जाएगा कि फाइनली 5th सीजन आने वाला है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद 4th सीजन पर ये एंड कर देंगे मनी हाइस्ट का। सो नाउ कम टू द माइनस पॉइंट्स, 8वां एपिसोड सबसे बोरिंग और सबसे लंबा एपिसोड है इसका, मतलब जहां आपको आप एक्सपेक्ट करोगे कि बहुत क्रंच और बहुत मसाला मिलने वाला है 8वें एपिसोड में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 8वें एपिसोड के अंदर ये चाहते तो पूरी सीरीज ये और ये सीजन खत्म कर सकते थे, बट ऐसे इन्होंने किया नहीं, और वो 8वें एपिसोड में क्लियर झलकता है कि किस तरह से डायरेक्टर्स और राइटर ने टाइम पास किया और अगले सीजन और अगले एपिसोड्स के ऊपर सब कुछ डाल दिया। सेकंड माइनस पॉइंट, प्लानिंग जो प्रोफेसर की दिखा रखी है, एस्केप प्लानिंग, मैं बताऊंगा नहीं किसके एस्केप की या किस तरह से, लेकिन वो प्लानिंग इतनी वीक थी, या मैं कहूंगा कि वीकेस्ट प्लानिंग सो फार थ्रू आउट द सीरीज, कि वो आपको इलॉजिकल लगे, कि आपका एहसास होगा कि शायद बहुत लेजी राइटिंग कर रखी है और बहुत एलोंगेटेड, बहुत ड्रैग राइटिंग लगी मुझे वो। थर्ड, दिस सीजन हैज लैक ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, बिल्कुल ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है, और जो भी आने वाले होंगे वो इजीली प्रेडिक्टेबल है, आप डायरेक्टर और राइटर के बोलने से पहले, समझाने से पहले ही वो सब समझ जाने वाले हो। सो ट्विस्ट एंड टर्न्स काफी पुअर है इस वाले सीजन के अंदर। फोर्थ, इमोशनल टच बिल्कुल मिसिंग है इसके अंदर से, कोशिश की गई है जबरदस्ती इमोशंस डालने की, लेकिन इमोशंस आपको कनेक्ट नहीं कर पाते उतने जितने कि लास्ट सीजन में करते रहे जब मॉस्को मरा था, सीरियसली आई वाज क्राइंग, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, चाहे कोई मर रहा है चाहे कोई, ऐसा इमोशनल ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की गई है, बट दैट जस्ट अ कोशिश, आपको वो कर नहीं पाएगा उतना इमोशनल। एंड फिफ्थ एंड लास्ट माइनस पॉइंट इज पलेमो एंड बोगोतो, ये जो दो नए मेंबर आए हैं पूरे गैंग के अंदर, पलेमो तो ऑब्वियसली पहले भी था, मार्टिन जो बर्लिन का बहुत अच्छा फ्रेंड है, जो इस पूरी हाइस्ट का मास्टरमाइंड है, लेकिन वो उतने इम्पैक्टिंग लगते नहीं थ्रू आउट द सीरीज, और काफ़ी टाइम वो बैक बेंच पर भी रहते हैं, और बोगोतो की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, किसी ना किसी तरह से बोगोतो को नैरोबी के साथ कनेक्ट करके वैल्यू बनाना चाह रहे हैं राइटर्स डायरेक्टर्स, बट वो बात बन नहीं रही। तो ये थे हमारे प्लस और माइनस पॉइंट्स पूरे मनी हाइस्ट के फोर्थ पार्ट को लेकर। अब हम बात करते हैं प्लॉट की, मैं ये पूरा प्लॉट ब्रीफ करूंगा आपको, बट इसमें कोई स्पॉइलर नहीं होगा, जैसा कि मैंने पहले भी बोला आपको, ये स्टोरी 2 टाइम स्पैन में चलती है, एक
जब ये प्लानिंग हो रही थी पूरी हाइस की, दैट इज ऑल्सो अ टाइम ऑफ बर्लिन मैरिज विद ततियाना. उनकी शादी का माहौल दिखा रखा है जहां ये पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, एंड प्लेमो यानी कि मार्टिन और बर्लिन प्रोफेसर को इंसिस्ट कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं इस पूरी हाइस का पार्ट बनने के लिए. बट प्रोफेसर कन्विंस नहीं हो रहे क्योंकि प्रोफेसर को पता है कि इसमें बहुत से लूप होल्स हैं पूरे प्लान के अंदर. बट हाँ, इस पूरे सीजन के अंदर जो ये हाइस्ट है बैंक ऑफ स्पेन के अंदर, जो गोल्ड की हाइस्ट है, इसको प्लानिंग को लेकर और एग्जीक्यूशन को लेकर दो पार्ट में डिवाइड किया है, जो कि स्क्रीन प्ले वाइज बहुत बढ़िया, एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है. दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं और एंड में जाकर कनेक्ट कर जाती हैं, जो कि आपको बहुत अच्छा लगता है अगर आप टेक्निकलिटीज जानते हो थोड़ा. दूसरा टाइम फेज जो अभी करंट में चल रहा है, जहां पर ये बैंक ऑफ स्पेन के अंदर रॉबरी चल रही है, हाइस चल रही है, पलेर्मो यानी कि मार्टिन जो इस पूरी हाइस के इंचार्ज हैं, वो अच्छे से हाइस को इंचार्ज तो कर रहे हैं, बट ही इज टू शॉर्ट टेम्पर और बड़ी जल्दी कंट्रोल खो देते हैं अपना. कैसे ही मोमेंट के ऊपर ही लॉस इज कंट्रोल एंड टोक्यो टेक्स ओवर द चार्ज. अब टोक्यो ने पूरा चार्ज ले लिया है, ये बात पलेमो को बिल्कुल नहीं पची. पलेमो बैक बेंच पे है, उसको बंदी बना लिया जाता है, एंड ही इज वन ऑफ द हॉस्टेजेस नाउ. अभी इस चीज का रिवेंज लेने के लिए पलेमो बिट्रे कर देता है अपने गैंग को, विच इज नॉट अ स्पॉइलर, क्योंकि ऐसा आप ट्रेलर में देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा. और वो चीफ ऑफ सिक्योरिटी है जो गैंडिया, उसको वो वहां से रिलीज कर देता है. अब गैंडिया इज बिल्कुल फ्री है. अब गैंडिया एक एक कर इन सब पर अटैक भी कर रहा है और सब पर भारी पड़ रहा है. एंड फ्रॉम दिस वेरी पॉइंट हियर इज एन इंटरेस्टिंग गेम ऑफ माउस एंड कैट स्टार्ट्स. और कभी वो गैंडिया के पीछे है, कभी गैंडिया इनके पीछे, बट गैंडिया डोमिनेट्स द गैंग और वो एक एक करके इन सब पे हमले भी कर रहा है और इन सबको अलग अलग भी कर दिया उसने. बहुत मुश्किल लग रहा है गैंडिया को पकड़ना, एंड ही इज टू पावरफुल ऑल्सो. तो अब कैसे हो पाएगा ये सब, कैसे प्रोफेसर उनकी हेल्प कर पाएगा, क्योंकि प्रोफेसर की हेल्प के बिना वो गैंडिया को नहीं पकड़ सकते और गैंडिया ने सारे सीसीटीवी के कंट्रोल खत्म कर दिए हैं. अब कनेक्शन नहीं है कोई प्रोफेसर और गैंग के अंदर. तो ये चीज सबसे इंटरेस्टिंग लगी मुझे. ये तीन एपिसोड्स की गेम है गैंडिया और गैंग के अंदर. दैट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीजन 4 और मुझे बहुत मजा आया देखने में. सो हियर इज द वन चैप्टर क्लोज्ड अबाउट गैंडिया एंड द गैंग, जो इनकी लड़ाई चल रही है. सेकंड चैप्टर इज ऑफ रकेल, जहां वो इंटरोगेशन हो रही है रकेल की बाय एलिसिया सेरा. अब एलिसिया सेरा उसे इमोशनली इतना ज्यादा ब्लैकमेल कर रही है कि शी इज अबाउट टू गिव अप. बट प्रोफेसर को रकेल के बारे में पता है कि नहीं, ये जिंदा है या नहीं, ये सब जानने के लिए भी आपको सीजन देखना पड़ेगा. एंड दिस वाज द सेकंड चैप्टर. एंड थर्ड चैप्टर इज अबाउट द नैरोबी, क्योंकि जैसा कि हम ट्रेलर में देख सकते हैं नैरोबी को गोली लग जाती है. एंड नैरोबी इज द सिक नाउ एंड सिक्स अटेंशन फ्रॉम द गैंग, क्योंकि उनके पास एक बंदा चाहिए ही चाहिए उनकी मेडिकल इमरजेंसी के लिए. दूसरी तरफ गैंडिया सबको मार रहा है और सब अलग अलग हुए पड़े हैं. अब नैरोबी का क्या बनता है, कि वो जिंदा रहती है या नहीं, ये सब भी इसी सीजन में देखने को मिलेगा आपको. ये जो तीन चार चैप्टर्स चल रहे हैं इस सीजन के अंदर, इन सब के आंसर्स आपको इस सीजन में जरूर मिल जाएंगे. बट ये सीजन भी कुछ क्वेश्चंस छोड़ के जाएगा आपके लिए सोचने के लिए. ये जो हाइस्ट चल रही है बैंक ऑफ स्पेन के अंदर, अब रियो तो वापस आ चुके हैं, सारे टीम मेंबर्स इकट्ठे हैं, सारा गैंग इकट्ठा है, लेकिन ये हाइस्ट खत्म होगी कि नहीं और गैंडिया का क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया था वो कनेक्टेड है इस सब चीज से. इस पूरी हाइट को खत्म करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है और बहुत बड़ा रोल है. बट क्या ये हाइस्ट खत्म होगी कि नहीं, या पांचवें एपिसोड में इसे रिज्यूम करने वाले हैं. ये जो तीन चार चीजें और हैं वो तीन चैप्टर्स के अलावा. सो फ्रेंड्स, ओवरऑल दिस पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड इक्वली इम्पैक्टिंग. इवन मुझे उसे ज्यादा ही लगा, जो पीछे के तीन सीजन थे उन सबसे ज्यादा मुझे यही इम्पैक्टिंग लगा. अगर आठवें एपिसोड को छोड़ दे तो, क्योंकि आठवें एपिसोड के अंदर बहुत ड्रैग स्टोरी लिखी गई है, पता नहीं किस चीज़ को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा वो, या फिर ऐसा क्या है जो वो पांचवें सीजन को शायद आगे लिखना चाहते होंगे, या कुछ भी होगा. बट आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच मनी हाइस्ट सीजन 4. जिन लोगों ने अभी तक मनी हाइस्ट शुरू नहीं की उन्हें स्टार्टिंग से देखनी चाहिए. आई प्रॉमिस कि आप इसको 4-5 दिन में खत्म कर दोगे. वैसे भी क्वारंटाइन चल रहा है, घरों में वेले हैं हम लोग सारे, और जो लोग मनी हाइस्ट के फैंस हैं उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता देखने के लिए. सो देख डालो, बहुत बढ़िया सीरीज है. तो ये थे मेरे मनी हाइस्ट सीजन 4 को लेकर रिव्यूज. मिलते हैं अपनी अगली किसी वेब सीरीज या कोई अपडेट को लेकर. टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग इफ यू रियली लाइक माय वीडियो. और अगर आपके माइंड में भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो शायद मैं अनआंसर रह गए मेरे द्वारा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा. मैं ट्राई करूंगा उनको खोजने की अगर मेरा दिमाग चला तो इतना. या आप लोगों के क्या रिव्यूज हैं इस वीडियो को लेकर जरूर बताइएगा हमें. टिल देन लाइक अस, शेयर अस, ऑल्सो सपोर्ट अस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao.